देखिए मित्रों, जैसा कि आज के मॉडर्न टाइम में अगर देखा जाए तो आप चाहे वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों और स्पेशल मैं एसएससी सीजीएल की बात करता हूं, तो उसमें पहले क्वेश्चंस एक या दो ही आते थे, लेकिन आज के समय में लगभग 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। हर बार 3 क्वेश्चंस आपको, कम से कम 3 क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल में देखने को मिल रहा है। और भी अगर एग्ज़ाम की बात करें, सीडीएस की बात करें, कैट की बात करें, मैट की बात करें, तो उन सब में भी पूछे जाते हैं। बाकी स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं वहाँ पे तो ये पूछा ही जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिट्स, डिजिट, इकाई अंक निकालना। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा मित्र कि इकाई अंक होता क्या है। तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक जो होता है वही इकाई अंक होती है। आइए इसको लिखते हुए चलते हैं, आप नोट करते चलिए मित्र। किसी भी संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक, इकाई को हम यूनिट्स डिजिट बोलते हैं, इकाई अंक कहलाता है। किसी भी संख्या का अंतिम अंक जो होता है मित्रों, इकाई अंक कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई संख्या दे देता हूं 4344 में, अंतिम अंक क्या है मित्र, यहां से आपको दिख रहा है 4 में, 4 संख्या का इकाई अंक है। इकाई अंक है। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? यानी कहने का मीन्स क्या है मित्र, किसी भी संख्या का अंतिम अंक, लास्ट डिजिट जो होता है वही इकाई अंक कहलाता है। अब जैसे आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दो मैं थोड़ा सा करा के दिखाता हूं। जैसे अगर आपको मान लीजिए कहा जाए 34, 35, 89, 87 का इकाई अंक पूछे, ये क्या है ऐड, यानी जोड़ में जब आपसे इकाई अंक पूछेगा तो करना क्या है, सिंपल सा फैक्टर है, इसको हम ऐड कर लें। 4 और 5 मिला के होता है 5, 4, 9, 9, 9, 18, 18, 7 क्या होता है 26, किच्छा हासिल लागे 2, और उसके बाद 8, 2, 16, 16, 3, 19, 19, 3, 22, 22, 2 कितना होता है 24। अब लास्ट डिजिट इससे हमको मतलब है क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यही यही जो लास्ट डिजिट है, अंतिम संख्या जो है, यही क्या है, इकाई का अंक है। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए इसका अंतिम अंक क्या होगा, तो आपको अंतिम अंक पता चल जाएगा। या फिर अभी मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन में बात करूं, 8, 7, 3 + 9, 8, 4, 6 + 7, 4, 2, 3 में इकाई अंक पूछे, तो अब आपको करना क्या है, इसका लॉजिक क्या है, ट्रिक क्या है, आपको मैं बताता हूं। लास्ट डिजिट से मतलब है केवल, कितने से मतलब है, लास्ट डिजिट से, एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो या मल्टीप्लिकेशन में। ज्यादातर क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में पूछे जाते हैं और एडिशन में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, पूरा ऐड करने से अच्छा है हम लास्ट डिजिट को केवल ऐड कर लें बस। लास्ट डिजिट क्या क्या है मित्र, देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, 6, 3, 9 और 9, 3 होता है 12। 12 को लिखने से कोई मतलब नहीं, हमको लास्ट डिजिट से मतलब है, यानी ये क्या हो गया, 2 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी 2 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। ये तो है चीजें कब, जब एडिशन में होंगी तब, इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन होगा तो हम उसमें भी निकाल लेंगे। मान लीजिए कल को आपको जोड़ की जगह गुणा दे दिया जाए, मान लीजिए 41 × 42 × 88 × 782 × 8444 का इकाई अंक पूछे आपसे, तो सिंपल सा वही लॉजिक, इतने को हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है। लास्ट डिजिट हम देखेंगे, इसका लास्ट डिजिट 1 है, इसका लास्ट डिजिट 2 है, इसका लास्ट डिजिट 8 है, इसका लास्ट डिजिट 2 है, और इसका लास्ट डिजिट क्या है मित्र, 4 है। तो हमें करना क्या है, लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 2 1 जा
टू, आठ दोनों सोलह होता है, आठ दोनों सोलह, मान लीजिए इसकी आगे की टेबल ना आती हो, सोलह की टेबल ना आती हो, तब आप क्या करिए, आठ दोनों सोलह आया तो केवल आप छः ले लीजिए, एक छोड़ दीजिए, फिर आप छः को मल्टीप्लाई कर लीजिए दो में, छः दोनों बारह, हो सकता है बारह के आगे की टेबल ना आती हो, तो आपको क्या करना, बारह ना लेके क्या ले लीजिए, केवल दो ले लीजिए, फिर दो का इसमें कर दीजिए, दो चौको आठ, यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका, एट हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं मित्रों आपको समझ में आ गया होगा। ये नॉर्मली जैसे कि देखा जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये है। अब देखिए कभी कभी अगर हम बात करें कैट मैट की बात करें, या सीजीएल में भी कई बार देखने को मिला है कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है सभी विषम संख्याओं के अंकों के गुणनफल का इकाई अंक बताइए, सभी सम संख्याओं के अंकों के गुणनफल का योग बताइए, या फिर पूछ लेगा सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का लास्ट डिजिट या अंतिम अंक बताइए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें वही फॉलो करना है। तो देखते हैं, पॉइंट नोट कर लीजिए, जब सभी सम संख्याएं हों, सभी सम संख्याओं के लिए क्या करना है, सभी सम संख्याओं के गुणनफल, गुणनफल का इकाई अंक जीरो होगा। अब देखिए अगर हमसे सम का पूछेगा, अगर इवन, सम का मतलब इवन, वे संख्याएं जो टू से डिविजिबल होती हैं सम कहलाती हैं, वे संख्याएं जो टू से डिविजिबल नहीं होती विषम कहलाती हैं, और वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं विभक्त होती वे प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये सब कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको पता ही होगा मित्र। तो देखिए सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक जीरो होगा। क्यों जीरो हो जाता है उस पर अगर हम बात करें, जैसे देखिए आपको मान लीजिए सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, टू होती है, दो गुणे चार गुणे छः गुणे आठ गुणे दस गुणे बारह गुणे चौदह गुणे अठारह, ऐसे आपको दिया जाता रहे, इससे मतलब नहीं है। अब इकाई अंक हमको निकालना है, आप ऐसे देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, दो आ रहा है, ठीक, यहाँ पे क्या आ रहा है, दस आ रहा है, फिर आगे बीस आएगा, तो एक अंक क्या हो गई, जीरो हो गई। जीरो से किसी भी नंबर्स में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाती है। यानी कहने का मीन्स जीरो को अगर किसी में ऐड करेंगे तो नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन अगर जीरो से हम ऐड करने के बजाय अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मित्रों, जीरो हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे दस आया, एक दस का सभी को क्या कर देगा, जीरो कर देगा, बीस भी आएगा जीरो कर देगा, यानी इसमें इकाई अंक क्या होगा, जीरो होगा। किसमें, सभी सम संख्याओं में। अब देखिए विषम संख्याओं में क्या होता है, सभी विषम संख्याओं में नोट कर लीजिए, सभी विषम संख्या के गुणनफल का इकाई अंक, यूनिट्स डिजिट, या फिर कभी कभी दे देता है सभी विषम अभाज्य संख्याओं के, तो बात वही होती है, गुणनफल का इकाई अंक पांच होता है, फाइव होता है। अब देखिए पांच क्यों होता है, कैसे होता है, हम उस पर भी बात करते हैं, देखते हैं, आपको दिखाते हैं क्वेश्चंस तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपको कहा जाए सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, वन होती है, चलिए वन से स्टार्ट करते हैं, वन इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन इंटू नाइन इंटू इलेवन इंटू थर्टीन इंटू फिफ्टीन इंटू सेवनटीन, इसी तरीके से आती जाएंगी नंबर्स। तो अब देखिए इसमें आपको मिलेगा क्या, इकाई अंक मैंने बताया कि पाँच होगा, क्यों पाँच होगा, यहाँ पे एक पाँच आया है और यहां 15 में फिर 5 आएगा, 25 में आएगा। अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यह जानना है मित्र, अगर किसी भी विषम संख्या में, किसी भी विषम संख्या में यदि 5 से गुणा कर दिया जाए, यदि किसी भी विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ऑलवेज उसका जो लास्ट डिजिट होता है वो 5 मिलता है। क्या मिलता है, 5 मिलता है, इसलिए जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 है। जैसे आप देखिए 5 तिहाई 15, 5 को किसी भी विषम में गुणा कर दीजिए, 5 सते 35, 5 सते 35, 5 नौ 45, 11 पचे 55, 13 पचे 65, 15 पचे 75,
17, 5, 85। तो यानी कहने का मीन्स क्या है, 5 का हम किसी भी ऑड नंबर्स में यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा, इसीलिए यूनिट्स डिजिट इसमें क्या हो जाएगा मित्रों, 5 हो जाएगा। किसमें बात कर रहा हूं मैं, ये ऑड नंबर्स के लिए है, किसमें, ऑड नंबर्स के लिए। यही कभी कभी आपको ऑड नंबर्स ना दे के प्राइम नंबर्स दे देगा, क्या दे देगा, प्राइम नंबर्स, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। देखिए प्राइम नंबर्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्राइम नंबर्स में दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपको दे देगा 2 से अधिक, मोर देन 2, 2 से अधिक सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक निकालिए, या फिर आपको एक दूसरा क्वेश्चन दे देगा 1 से लेकर के 2000 के बीच में, 1 से लेकर के 3000 के बीच में प्राइम नंबर्स के गुणनफल का इकाई अंक निकालिए। अभी हम लास्ट में देखेंगे, 10 कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे तो उसमें हम आपको दिखाएंगे। तो कहने का मीन्स क्या है, जब देखिए ये कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है, प्राइम नंबर्स स्टार्ट कहाँ से होती है, सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5। अब देखिए 5 भी आ गया, 2 भी आ गया, 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 और 2 का मल्टीप्लाई 0। इसीलिए अगर सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में पूछेगा इकाई अंक तो क्या होगा, 0 होगा। अगर सभी अभाज्य ना पूछ के 2 से अधिक पूछेगा, कितने से, अगर 2 से अधिक पूछेगा तब क्या होगा, 0 ना होके तब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब 2 से अधिक हो जाएगा तो सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या हो जाएगी, 3, फिर 5, फिर 7। अब 5 आ गया, 5 को किसी भी ऑड नंबर्स में मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, 5 ही आता है। यानी कहने का मीन्स क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे दिखाते हैं नया कॉन्सेप्ट, अभी इस पर हम बात करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे तो वहां पे ये अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछने को मिल जाता है, देखने को मिलता है और अक्सर मिलता है, फैक्टोरियल में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्या है, आइए उसे भी देख लेते हैं। फैक्टोरियल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित संचय, या व्यंजक भी बोलते हैं। तो देखिए फैक्टोरियल में कैसे क्या कॉन्सेप्ट होता है मित्र, वो हम देखते हैं। आपको पता है कि अगर हम मोर देन 4 की बात करें, चलिए अच्छा पहले देखते हैं फैक्टोरियल को हम ऐसे डिनोट करते हैं या फिर ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक। जैसे मैं बात करूं फैक्टोरियल एन की वैल्यू बताइए, फैक्टोरियल एन की वैल्यू आपको पता होगा एन एन माइनस वन होता है, यही होता है ना, होता है, आपको पता है। अगर कल को मैं कहूं फैक्टोरियल वन की वैल्यू बताइए तो आप बताओगे 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू पूछूंगा तो क्या कहोगे, 2 × 1 यानी 2 हो जाएगा, 2 × 1 यानी कितना हो जाएगा, 2। अगर हम बात करें फैक्टोरियल 3 की वैल्यू तो क्या होगा, 3 और 1 कम 2, 1 2 से कम 1 यानी उल्टा चलेंगे तब तक जब तक 1 ना हो जाए, तो 3 × 2 = 6 और 6 × 1 = 6। फिर अगर फैक्टोरियल 4 की बात करें तो क्या होगा, 4 × 3 × 2 × 1 यानी 4 × 12 = 24 × 1 = 24। अब अगर फैक्टोरियल 5 की बात करें मित्र तो क्या होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी 5 × 20 = 60 × 120 = 120। अब देखिए इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुआ उस पर हम बात करते हैं। एक चीज हमें मिल गई यहां से, क्या मिला मित्र, अगर अभी हम आगे देखेंगे, ये तो अभी हम डायरेक्टली ऐसे बात कर रहे हैं, जब हम पावर्स में बात करेंगे तो उसमें क्वेश्चंस जब पूछा जाएगा तो अगर आपको फैक्टोरियल 1 दिया रहे तो यूनिट्स डिजिट क्या हो जाएगी, 1 होगी। फैक्टोरियल 2 का यूनिट्स डिजिट 2 होगा, फैक्टोरियल 3 का यूनिट्स डिजिट 6 होगा, लेकिन फैक्टोरियल 4 का यूनिट्स डिजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना, 4 हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 का यूनिट्स डिजिट 0 हो जाएगा। अब देखिए फैक्टोरियल 5 का यूनिट्स डिजिट 0 हो जाएगा, अब हम मोर देन 5 और इक्वल्स टू 5, या हम फैक्टोरियल 5 की बात करें या फैक्टोरियल 5 से आगे किसी भी फैक्टोरियल्स की बात करें तो वे सभी संख्याएं क्या होंगी, 4 से डिविजिबल होंगी। क्यों डिविजिबल होंगी, जैसे हम फैक्टोरियल 6 की बात करें तो 6 का मतलब क्या होता है, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ऐसे हम और भी नंबर्स की बात करें, जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 20 की बात करें तो क्या होगा, 20 × 21 20 × 19 × ऐसे आप उल्टा चलेंगे 1 तक, तो 4 सब में आ जाएगा। और 4 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है, अगर कोई भी संख्या 4 से कट गई तो संख्या हमेशा हमेशा के लिए 4 से डिविजिबल होगी। यानी फैक्टोरियल 5
हो या फैक्टोरियल 5 से बड़ी कोई भी संख्या हो, वे सभी 4 से डिविजिबल होंगी, और उन सब में क्या होगा, एक 2 और एक 5 आएगा जो कि 0 कर देगा। उसमें अगर यूनिट्स डिजिट आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपसे जैसे मैं डायरेक्टली कहूँ, बताइए फैक्टोरियल 200, फैक्टोरियल 200 का यूनिट्स डिजिट पूछ लूं, इकाई अंक बताइए, तो आपको पता है फैक्टोरियल 200 की यूनिट्स डिजिट क्या हो जाएगी मित्र, 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 5 से लेकर के फैक्टोरियल मोर देन 5 आर इक्वल्स टू 5 होगा, तो उसकी वैल्यू जो होगी 0 होगी, और वे सारी नंबर्स क्या होंगी, ऑलवेज डिविजिबल होंगी 5 से। अभी बहुत सारे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। आइए अब बात करते हैं, हम लेते हैं पावर्स पर, घात पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं पावर्स घात में, यदि किसी संख्या का, यदि संख्या का अंतिम अंक जीरो, वन, फाइव, सिक्स हो और घात मतलब पावर्स घात कुछ भी हो, तो इकाई अंक अपरिवर्तनीय अपरिवर्तनीय होगा। मींस क्या कहने का है दोस्त, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6, कौन कौन से अंक, 0, 1, 5, 6 हो और उसकी पावर्स घात कुछ भी दिया हो, तो उसका इकाई अंक जो होगा वो अपरिवर्तनीय होगा, यानी वही होगा। यदि 0 है तो 0 ही होगा, 1 है तो 1 ही होगा, 5 है तो 5 ही होगा, 6 है तो 6 ही होगा। जैसे क्वेश्चंस देखते हैं एक दो, वहां से क्लियर होगा। जैसे मैं कहूँ दिया हो 4, 2, 5, 6, 1 की पावर दिया हो, मान लीजिए 8, 2, 3, 4 कुछ भी दिया हो मित्र, कुछ भी दिया हो, हमने देखा लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे, 1 है। हमने देखा कि लास्ट डिजिट क्या है, 1 है। जैसे ही हमको लास्ट डिजिट ये 1 दिखी, लास्ट डिजिट अगर आपको अंतिम अंक 1 दिखे, पावर कुछ भी हो, ये क्या है, पावर है, घात है, घात कुछ भी हो तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा मित्र, 1 ही होगा। हाँ, समझ में आ गया होगा हम आशा करते हैं। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, जैसे 8, 4, 2, 0 की पावर्स 3, 6, 8 कुछ भी हो, जब लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे, 0 है, इसीलिए इसका भी इकाई अंक 0 होगा। या हम बात करें 5, 5, 5 की पावर 5, 5, 55 की पावर 55 की पावर 55, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, में भी इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है, 5 है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इस तरीके के क्वेश्चन में। अगर आपको लास्ट डिजिट 5 दिख गया, तो आपको समझ लेना है कि यहाँ पे क्या होगा, 5। इसी तरीके से यहाँ 6 भी होता, तब पर भी क्या होता, डिजिट चेंज नहीं होता, यानी वही उसका क्या होता, आंसर हो जाता, यानी 6 ही हो जाता। अब सेकेंड देखेंगे, सेकेंड केस में क्या होता है मित्र, पहले में आपको ये समझ में आया। दूसरा, यदि संख्या का संख्या 4 तथा 9 हो, देखिए यदि संख्या 4 तथा 9 यानी 4 और 9 होगी, तब क्या करेंगे। अब देखिए दो केसेस बनती, बड़े ध्यान से समझिएगा, एक तो या तो 4 हो या तो 9 होगा, तब कैसे करेंगे। आपको देखना क्या है डिजिट में इसमें मित्र, ये जब 4 होगा तो इसकी जो पावर्स होगी, पावर्स मतलब आप समझें, मैं घात की बात कर रहा हूं, अगर पावर सम होगी, सम का मतलब इवेन होगा, इवेन होगा, और पावर क्या होगी, ऑड होगी यानी विषम होगा। दो ही परिस्थितियां बनेगी, विषम होगा यानी ऑड नंबर होगा। इसमें भी यही सेम केसेस बना देते हैं, अगर इवेन होगा या ऑड होगा, यानी सम होगा या विषम होगा, तो करना क्या है, चेक करते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं, ये नहीं कि हम डायरेक्ट रटने वाला काम नहीं करेंगे।
हमेशा प्रैक्टिकल करके चीज़ों को निकालने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप शांत दिमाग से जितना समझोगे उतने अच्छे से, उतने प्यार से आती है। जैसे चार से देखते हैं, अगर चार की पावर सम का मतलब चार की पावर दो, चार की पावर चार, चार की पावर छः, इस तरीके का हो तो एक चीज़ देखते हैं, चार की पावर चार का मतलब क्या होता है, चार चौको सोलह, यानी इकाई अंक से मतलब है क्या रहा है, छः। चार की पावर चार, चार चौको सोलह, चौको चौसठ, चौको दो सौ छप्पन, दो सौ छप्पन से हमसे मतलब नहीं, हमसे किससे मतलब है, छः से। यानी अगर इकाई अंक का अंतिम अंक जो है चार होगा तो हम देखेंगे अगर पावर सम है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सिक्स, यानी यूनिट्स डिजिट क्या होगी, सिक्स। अगर विषम है तो चेक कर लेते हैं, चार की पावर एक, चार की पावर तीन की वैल्यू निकाल के, चार एक कम चार, चार चौको सोलह, चौको चौंसठ, यानी इकाई अंक क्या रहा है, चार आ रहा है। यानी मीन्स दोस्त यहां से आपको ये समझ में आ गया होगा, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक जो है फोर पे होगा, किस पे, चार होगी, तो हम चेक करेंगे अगर उसका जो है पावर इवेन होगा तो इकाई अंक छः होगी, पावर ऑड होगी तो इकाई अंक फोर हो जाएगी। आशा करते हैं मित्र आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसी तरीके से इवेन इसमें नाइन में देखते हैं, नाइन में अगर हम देखें पावर इवेन करते हैं, नाइन की पावर टू, नाइन की पावर फोर, नाइन की पावर टू का मतलब नाइन नाइन जा एट्टी वन, एट्टी वन में कितना हो गया आपका इक्यासी आ रहा है, यानी ये हो गया। नौ की पावर चार, नौ नवा इक्यासी, नवैया सात सौ उनतीस, नवैया निकालेंगे तो नौ फिर उसमें भी क्या आएगा, वन ही आ जाएगा। मींस क्या है दोस्तों कि इसमें भी इकाई अंक एक ही आ रहा है, और ऑड में देखेंगे तो नौ एक कम नौ, नौ एक कम नौ, नौ नवा इक्यासी, नवैया सात सौ उनतीस, यानी नौ। यानी क्या कहना है आपको, यहाँ से दो रूल्स मिल जाते हैं, यदि संख्या चार तथा नौ पे होगी, अब हम देखेंगे अगर चार अगर सम होगा, इसकी पावर सम होगी तब यूनिट्स डिजिट सिक्स होगी, और अगर विषम होगी तो यूनिट्स डिजिट जो होगा मित्र वो आपका क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। इसी तरीके से नाइन में देखेंगे यदि संख्या की पावर जो है सम होगी तो जो है आपका जो है यूनिट्स डिजिट वन हो जाएगा, और अगर संख्या विषम होगी तो यूनिट्स डिजिट नाइन हो जाएगी। अगर नहीं भी आता, मान लीजिए इनकेस आपको रूल्स भूल भी जाते हैं तो आप खुद ब खुद निकाल के भी चेक कर सकते हो, नाइन का पावर्स मान लीजिए कुछ भी दिया, नाइन वन जा नाइन, नाइन नाइन जा एट्टी वन, तो आपको समझ में आ रहा है नाइन की पावर एक कर रहे हैं तो वन आ रहा है, नाइन की पावर जैसे ही टू कर रहे हैं नाइन नाइन जा एट्टी वन, यानी वन आ जा रहा है। नाइन की पावर वन करने पर आपका नाइन आ जा रहा है, नाइन की पावर टू करने पर वन आ जा रहा है, यानी नाइन की पावर वन कर रहे हैं तो वन क्या है आपका, ऑड नंबर है, वन क्या है मित्र, ऑड है। जैसे ही नाइन की पावर टू कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, इवेन हो जा रहा है, यानी वो क्या हो जा रहा है, सम संख्या। तो आपको ये भी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आइए बढ़ते हैं आगे, अब यानी अब हम देखेंगे तीन नंबर, तीन नंबर आप नोट कर लीजिए मित्र। यदि अब कौन कौन से अंक बचे उनको हम देख लेते हैं, आपका 0, 1, 5, 6 हो चुका और उसके बाद 4 और 9 करा चुका, अब जो बचे उनको हम लिख लेते हैं 2, 3, 7, 8, ये आपके चार डिजिट बच गए। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 हो तो सर्वप्रथम दिए गए घात मतलब पावर्स में फोर से भाग देकर दिए गए संख्या के अंतिम अंक पर घात रखकर उत्तर निकाल लेंगे। क
कैसे मित्र उसको देखते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस की बात करते हैं, 242 की पावर 82 दिया है मान लीजिए। अब आपको करना क्या है, इसमें लास्ट डिजिट आपको देखना है क्या है, 2। जैसे ही आपने लास्ट डिजिट देखा 2, आप 2 ले लीजिए। उसके बाद इसकी पावर कितनी है, 82, 82 में 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल तो आपको पता ही होगा, 4 × 2 = 8, 0 चला जाएगा, यानी 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा मित्र, 2 बच जाएगा। तो जब 2 बच जाएगा, जो पावर्स में भाग देने के बाद जो शेष बचा, रिमाइंडर बचा, उसी को इस पे चढ़ा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा मित्र, 4 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। आगे जैसे हम बात करें, यही मान लीजिए 2 की जगह मान लेते हैं कि 3 हो जाता, क्या हो जाता, 3 हो जाता। तब क्या होता, 2 की जगह जैसे 3 होता तो 2 की पावर 3 हो जाता, 2 की पावर 3 जैसे ही होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 8 हो जाता। यही मान लीजिए 3 की जगह 4 होता, 4 होता तब क्या करते, तब 2 की पावर 4, इसमें जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पूरी की पूरी नंबर्स डिविजिबल हो जाएगी, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। उस केस में क्या करेंगे मित्र, जब पूरी की पूरी संख्या कट जाए और शेषफल 0 बचे, तो उसकी पावर हमें 4 रखनी चाहिए। कितनी रखनी चाहिए, 4 रखनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हर 4 डिजिट पे नंबर्स जो हैं ये रिपीट करती रहती हैं, आती रहती हैं, इसलिए। तो हम रखेंगे इसको 2 की पावर 4, यानी हो जाएगा आपका 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, यानी कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा आंसर। और 2 की पावर 1 होती तो वही बात होता, वही आता। अब देखिए 4 ही डिजिट पे क्यों करते हैं, कि अभी आप अगर 4 डिजिट बाद फिर देखोगे तो यही नंबर आ जाएगा, यानी 2 की पावर 4 की वैल्यू में आ गया यूनिट डिजिट 6, 2 की पावर 8 हो जाए, 2 की पावर 12 हो जाए, 2 की पावर 16 हो जाए, यानी 4 के मल्टीपल में रहेगा, तो ऑलवेज उसकी जो यूनिट डिजिट होगी क्या होगा, 6 ही आएगा। इस पर अभी हम एक ट्रिक बताने वाले हैं, बाकी ये आप थोड़ा सा समझिए। ये हमने बताया आपको 4 के लिए, कि जब 4 हो तब 2 दिया हो, या आपको कल को क्वेश्चन हो सकता है 2, 3, 4, 3 दे दिया जाए और पावर मान लीजिए दे दिया जाए 43। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो संख्या दी है इसका अंतिम अंक क्या है, 3 लिख लीजिए। इसका यूनिट डिजिट इसमें आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करिए। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, आपको लास्ट 2 डिजिट केवल डिवाइड करना है। कल को बहुत बड़े बड़े संख्या दिए रहेंगे तो बड़े बड़े संख्या को आपको डिवाइड नहीं करना है, केवल लास्ट के 2 डिजिट को आपको डिवाइड करना है। यदि वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो करेगा। तो 4 से जैसे डिवाइड करेंगे, 4 × 2 = 40, 3 बच गए, यानी 3 की घाते 3, 3 की घाते 3 का मतलब क्या होता है, 3 × 3 = 9, 3 = 27, यानी कितना हो जाएगा यूनिट डिजिट, क्या हो जाएगा, 7 आपका आंसर हो जाएगा। यही 43 की जगह 44 होता मित्र, तब 3 की पावर 4 हो जाता, तब हमको निकालना होता तो क्या आता, 81, तब यूनिट डिजिट क्या हो जाता, 1 हो जाता। अब देखिए दिक्कत कहां है, दिक्कत तो आपको आ जाएगा, 2 की पावर जैसे 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, 4 हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा मैं श्रेणी बना के दिखा देता हूँ, आप चेक कर लीजिए, बहुत आसान वर्डों में हम दिखाते हैं आपको यही चीज़ें। यानी आपको समझना क्या है, अगर 2 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट 1, 2 की पावर 2 तो यूनिट डिजिट जो होगी क्या हो जाएगी, 4, 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 की पावर 4 मतलब 6, अब बाकी 2 की पावर 8 आ जाए, 2 की पावर 16 आ जाए, 4 के मल्टीपल में कुछ भी रहे तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा मित्र, 6 ही आएगा। ऐसे 3 की पावर्स में देखेंगे, 3 × 1 = 3, यानी 3 की पावर 1 = 3, 3 की पावर 2 = 3, 3 × 9 = 9, 3 की पावर 3 मतलब 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 27, यानी 7, 3 की पावर 4 मतलब 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 27, 3 × 1 = 81 यानी 1 हो जाएगा। ऐसे ही 4 में देखेंगे, 4 की पावर 1 मतलब 4, 4 की पावर 2 मतलब 4 × 4 = 16 यानी 6, 4 तो मैंने बता दिया उसको तो आप हटा ही दीजिए, 5 बता दिया, 6 बता दिया, 7 है तो 7 की पावर 1 मतलब 7, 7 की पावर 2 का मतलब 7 × 7 = 49, 9 हो गया, 7 की पावर 3 मतलब 7 × 7 = 49, 7 × 3 = 43, 3 हो गया, 7 की पावर 4 मतलब 7 × 7 = 49, 7 × 3 = 43, 7 निकालेंगे तो 2401 आएगा, ऐसे निकालेंगे, 8 का ऐसे निकालेंगे, 8 × 8 = 64, और 2 होगा तो 64, 3 होगा तो 512, और 4 हो जाएगा तो 8 × 64 = 512, 8 आएंगे तो 4096 आ जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। आइए इसी को हम समझते हैं थोड़ा सा, अगर 4 दिया हो यूनिट डिजिट, यानी पूरा का पूरा जब डिविजिबल हो जाए, रिमाइंडर 0 बचे, तब आपको क्या करना है, तो आइए देखते हैं इसके आगे का। अगर जब पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, यानी रिमाइंडर 0 बचे, शेषफल 0 बचे, तब क्या करना होगा,
तो अगर उस समय उस केस में यदि लास्ट डिजिट हमारा 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा और 8 होगा, तब हमें कैसे निकालना है। बाकी तो हमने और सब सिखा दिया बहुत ही आसानी से, आपको उतना समझ में आ ही गया होगा। अगर इन केसों में क्या होगा, जैसे 2 की पावर 4, जब रिमाइंडर 0 तो 2 की पावर 4 लिख देंगे, 3 की पावर 4 लिखेंगे, 7 की पावर 4 लिखेंगे और 8 की पावर 4 लिखेंगे। तो मित्र एकदम आसान सा है, देखिए 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 दोनों 4 दोनों 8 दोनों 16, यानी इकाई अंक हमसे केवल मतलब है क्या आएगा, 6। 3 की पावर 4 में देखेंगे 3 त्रिको 9 त्रिको 27 त्रिको 81, कितना आया 81, यानी इकाई अंक से मतलब है 1। 7 की पावर 4 यानी 7 × 7 = 49 = 743 निकालेंगे तो कितना आता है मित्र, 2401। देखिए 2401 में निकाल के दिखा देता हूँ, 343 × 7 करेंगे तो 7 × 3 = 21 की एक हासिल लागत, 2 × 7 = 28 तो 30 की सिफर हासिल लागत 3 और 7 × 3 = 21 = 24, 2401। 8 की पावर 4 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो, यानी यहाँ से हमको यूनिट डिजिट से मतलब है केवल, यानी क्या आया 1 आ रहा है। अब 8 की घाते 4 में लेंगे तो 8 × 8 = 64, 8 × 5 = 12, 8 क्या होता है 4096, यानी 4096 इसमें यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 1 आ रहा है। एक चीज यहां से हमें समझ में आ रहा है मित्र, अगर 2 की पावर 4 होगा तो यूनिट्स डिजिट 6 होगा, 8 की पावर 4 होगा तो यूनिट्स डिजिट 6 होगा। और क्यों, अब देखिए रिलेशन बना लेते हैं, 2 और 8 मिलके होता है 10, इसीलिए दोनों का यूनिट्स डिजिट क्या हो जाएगा, ये 6 लिखते हैं, क्या हो जाएगा 6। 3 और 7 मिलके होता है 3 की पावर 4 होगा तो यूनिट्स डिजिट होगा 1 और 7 की पावर 4 होगा तो यूनिट्स डिजिट होगा 1। हम आशा करते हैं मित्रों ये थे हमारे पूरे रूल्स, यानी मेन मुख्यतः रूल कौन से थे, अब हम किसी भी क्वेश्चंस को देखेंगे बहुत आसानी से लगा लेंगे। आइए चलते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस लाते हैं आपके लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। देखिए मित्रों आपके सामने प्रश्न आ चुके हैं, आइए देखते हैं ये क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम में सॉल्व किए जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 3694 की घात 1793 गुणे 615 की घाते 317 गुणे 841 की घाते 941। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में हमको क्या करना है, जैसे आपने देखा कि 4 यहाँ पे दिया हुआ है, 4 दिया है, 4 की पावर हमने आपको दो तरीके से बताया, एक इवन हो एक ऑड हो। 4 की पावर 1 मतलब 1, 4 की पावर 2 मतलब 6 ना यूनिट डिजिट, यानी ये क्या दिया है 4 की पावर जो दिया है ये विषम संख्या है। 4 की पावर अगर विषम होगी ऑड होगी तो यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा, यानी इसका यानी पहले क्वेश्चंस में यानी अगर हम देखें यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा मित्र, तो 4 ही हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। गुणे सेकेंड में क्या दिया है, 5 की घाते 17, 5 की घाते 317, 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, मैंने बताया ना कि 0, 1, 5, 6 इतने नंबर्स की पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट चेंज नहीं होती, कुछ भी हो, यानी इसका क्या हो जाएगा 5 इंटू 841 की पावर 941। मैंने ये भी बताया कि क्या हो, अगर 1 हो, 1 की पावर कुछ भी नंबर्स दिए हो तो यूनिट्स डिजिट चेंज नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। चलिए 1 कर लिया तो 5 × 20 = 20 मतलब क्या होता है, ऐसे करेंगे तो यूनिट्स डिजिट आपका क्या मिल जाएगा 0, यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा मित्र क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, आंसर आनी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। सेकेंड क्वेश्चन पे देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 81 × 82 × 83 · 89 में इकाई अंक निकालना है गुणा में। तो अब क्या करना है, देखिए मित्र इकाई का मतलब यहां एक सेकेंड की बात कर रहा हूं, 1 × 2 × 3 × 4 × ……… 9 आएगा, यही आएगा। देखिए आपको एक चीज याद करना पड़ेगा, लगातार संख्याओं को जब मल्टीप्लाई किया जाता है, लगातार नेचुरल नंबर्स किसी भी नेचुरल नंबर्स को जब कंटिन्यू हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट्स डिजिट जो होता है ऑलवेज 0 होता है। क्यों, कारण मैं बता रहा हूं, आप देखिए जैसे यहां पे 4 आया, अभी 5 आ जाएगा तो 4 × 5 = 20, 1 0 आ गया, 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी जो वैल्यू होती है 0 कर देता है, इसलिए इसमें भी यूनिट्स डिजिट यानी सेकंड क्वेश्चन का भी जो जवाब हो जाएगा आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा। आया समझ में मित्र। थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं,
55 की घाते 725 प्लस 73 की घाते 5810 की प्लस 22 की घात 853। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम देखते हैं थर्ड, यहाँ पे क्या है, 5 की पावर कुछ भी हो आपको पता है 5 ही होगा। फिर देखते हैं 3 की पावर 810 जैसे हमने देखा, तो यूनिट डिजिट के लिए हमने बताया 4 की डिविजिबिलिटी आपको पता है, इसके पावर्स में डिवाइड करना है, 5810 में आपको 4 से भाग देके शेष निकालना है। आपको पता होगा 5810 में हमें भाग नहीं देना है, हमें 4 की डिविजिबिलिटी में लास्ट 2 डिजिट केवल देखने होते हैं, यानी हम 10 में क्या करेंगे, 10 में 4 से भाग दे देंगे, यानी इसमें 10 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दोनों 8, 2 10, यानी शेषफल कितना बच गया, 2, वही 2 को क्या करेंगे हम इसके ऊपर लगा देंगे, यानी 3 की पावर 2 करेंगे तो 3 त्रिको 9, यानी यूनिट्स डिजिट क्या आया इसका 9। फिर देखेंगे 2 की पावर 853 से मतलब नहीं, 53 में देखेंगे, केवल 53 में हम जब भाग देंगे 4 से तो क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 12, यानी 13 चौको 52, 1 53, यानी 2 की पावर 1 मतलब 2। अब इसको ऐड कर लेंगे दोस्त तो क्या होगा, 9 5 14 14 की जगह केवल 4 ऐड करेंगे, 4 2 6, यानी इसका यूनिट्स डिजिट अगर आपसे पूछे तो क्या हो गया, 6 हो गया। यहां तक हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है, अच्छा क्वेश्चन है मित्र। क्या कह रहा है, 1001 की पावर 2008 प्लस 1002 का अंतिम अंक निकालिए। क्वेश्चन में गलती क्या होती है, जब हम आम लोग लगाते हैं बच्चे तो वहां पे ये गलती, देखिए 1 की पावर कुछ भी दिया हो, हमें पता है 1 की पावर कुछ भी दिया हो 1 ही होगा, फिर उसके बाद 1002 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 2, इसको देखेंगे तो 2 1 कितना हो गया 3, यानी इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा अंतिम अंक क्या होगा वो हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 1 से 9999 के बीच सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करिए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 1 से लेकर 9999 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल की बात कर रहा है। तो यहां से आपको एक चीज मित्र समझना पड़ेगा, इसके गुणनफल में जैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं तो जब हम चलेंगे 1 से 2 आया, 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7, अब कुछ भी नंबर आए हमारा काम बन गया, क्या एक 2 मिला और एक 5, ये तो आएगा ही, अब इसके बाद आए या ना आए तो इन दोनों का जो गुणा होता है 5 दोनों क्या कर देगा 10, यानी इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ भी सकता है, एसएससी सीजीएल में ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं और फिर से पूछे जा सकते हैं मित्र, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसी तरीके से 6ठा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया, क्या कह रहा है कि उन सभी संख्या के समुच्चय जो 2 से अधिक लेकिन 222 से कम है के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, यानी ये भी अभाज्य संख्या की ही बात कर रहा है लेकिन मोर देन 2। अब देखिए 2 से बड़ा कह दिया, इसका मतलब 2 को छोड़ देना है, जब हम 2 को छोड़ देंगे तब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी, 3 5 7 ऐसे आएगा, तो देखिए 3 5 7 5 तो आ गया, 1 5 आया और बाकी सब संख्या जो आएगी वो विषम है, किसी भी विषम संख्या में यदि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अंतिम अंक, अभी हमने इस बात को बताया था 5 15, यानी 5 ही आएगा, यानी 5 ही आएगा, यानी इसका जो जवाब होगा मित्र क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी आपको समझ में आ गया होगा। क्यों 5 होगा, 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 को छोड़ दिया इसलिए 0 नहीं होगा, यानी 2 ही आंसर बन सकते थे, या तो 0 या तो 5, इसलिए क्या हो गया ये मोर देन 2 है, 2 से बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि 888 की घाते 9235 फैक्टोरियल दिया है मित्र, प्लस 222 की घाते 9235 फैक्टोरियल, प्लस 666 की पावर 2359 फैक्टोरियल,
प्लस 9999 की पावर 9999 फैक्टोरियल में इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए, हमने आपको फैक्टोरियल की वैल्यू निकालना सिखाया, मोर देन फोर यानी चार से फोर फैक्टोरियल, फोर से अगर अधिक कोई नंबर्स है इसका मींस है वो ऑलवेज फोर से डिविजिबल होगा। जैसे मैं कहूँ फैक्टोरियल फाइव फोर से कटेगी कि नहीं, कट जाएगी मित्र। फैक्टोरियल सिक्स कट जाएगी, फैक्टोरियल आठ कट जाएगा, फैक्टोरियल 200 कट जाएगा, कोई भी फैक्टोरियल हो, यानी मोर देन फोर आर इक्वल टू फोर फैक्टोरियल होगा तो फोर से डिविजिबल हो जाएगा। फोर से डिविजिबल जब हो जाएगा तो उसमें हम डिमेंडर क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। यानी आपका क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर सेवन, यानी जैसे आठ की पावर, इसमें ये पूरा का पूरा कट गया चार से कट जाएगा, तो आठ की पावर चार का मतलब क्या होता है। अभी हमने सिखाया था कि आपको एट की पावर फोर मतलब आठ अठाई चौंसठ अट्ठे पाँच सौ बारह अट्ठे चार हजार छियानवे, यानी यूनिट्स डिजिट क्या हो जाएगी, इकाई अंक क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगी। यानी इसमें सिक्स हो गया, फिर इसमें देखेंगे प्लस दो दिया है और टू की पावर फोर का मतलब हमने आपको बताया था यूनिट्स डिजिट क्या होती है, सिक्स ही होती है, सिक्स इसमें भी लिख लेंगे। प्लस उसके बाद क्या है, सिक्स की पावर कुछ भी दिया हो सिक्स ही होता है। और उसके बाद है नाइन की पावर, अब तो ये मान लीजिए फोर से डिविजिबल हो रहा है, अगर नहीं भी होता तो हमें पता है, ऑड और इवन देखते हैं। अगर इवन है तो नौ दोनों अट्ठारह, नौ त्रिक सत्ताईस, ऐसे नहीं करना है, नौ की पावर है लगाना है आपको, मल्टीप्लाई नहीं पावर, यानी नौ एकम नौ, नौ नवा इक्यासी। अब हम पावर देखेंगे क्या है, पावर ऑड है, पावर ऑड है, यानी यूनिट्स डिजिट क्या हो जाएगी मित्र, 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब इसको ऐड करेंगे 6 6 12 12 6 18, और देखिए क्या है, पावर ऑड है मित्र, तो 1 हो जाएगा। 9 की जैसे देखिए, आप ऐसे देखिए, जैसे मैं दे रहा हूँ 9 की पावर 1 मतलब 9 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, अब ये हो जाता है आपका 81 एक, यानी अब यानी इवेन में क्या होता है, 1 होता है। मैंने गलती से कह दिया कि ऑड है, ऑड नहीं है, पावर्स तो इवेन दिया है, कैसे, ये तो फैक्टोरियल दिया है ना, फैक्टोरियल का मतलब ये 4 से डिविजिबल है मित्र, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई, तो ये क्या होगा, 4 से डिविजिबल है यानी 4 से कट जा रही है, यानी ये 4 से कट जा रही है, यानी क्या है, पावर क्या दिया है, इवेन दिया है, सम दिया है, इसलिए 9 की पावर इवेन दिया हो, सम दिया हो, तो हमें पता है क्या होता है मित्र, डायरेक्ट हम 1 लिख लेते हैं 1। अब इसको ऐड करेंगे, ये होगा तो 6 6 12 6 18 1 क्या होता है, 19। हमसे किससे मतलब है, अंतिम अंक से, अंतिम अंक यानी क्या है, 9, यानी इसका अंतिम अंक क्या हो जाएगा मित्रों, 9 हो जाएगा, या आपसे इकाई अंक पूछेगा तो 9 होगा। मित्रों हम आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपके एग्जामिनेशंस में ये बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाला होगा। हम इसी के साथ आपसे विदा लेंगे, वीडियो अच्छा लगा तो अपना प्यार स्वरूप लाइक सब्सक्राइब चैनल को करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।